इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल गाजा युद्ध में जीत से बस एक कदम दूर है। उन्होंने कसम खाई है कि जब तक हमास सभी बंधकों को मुक्त नहीं कर देता तब तक कोई संघर्ष विराम नहीं होगा। हमास के उग्रवादियों द्वारा इसराइल पर अभूतपूर्व हमले के बाद 7 अक्टूबर को शुरू हुए युद्ध के 6 महीने बाद एक कैबिनेट बैठक में पीएम नेतन्याहू ने यह बात कही। नेतन्याहू ने कहा कि हम जीत से एक कदम दूर हैं, लेकिन हमने जो भी कीमत चुकाई वह दर्दनाक और हृदय विदारक है और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थतों के साथ काहिरा में संघर्ष विराम वार्ता फिर से शुरू होने की उम्मीद के बीच उन्होंने कहा कि बंधकों की वापसी के बिना कोई युद्ध विराम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और नेतन्याहू ने विशेष जोर देते हुए ये भी कहा कि इसराइल समझौते के लिए तैयार है लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं। उन्होंने आगे कहा कि इसराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव हमास के खिलाफ निर्देशित किया जाना चाहिए, जो हमास को अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करता है। इसके बंधकों की रिहाई में मदद मिलेगी और 1 अप्रैल को गाजा हवाई हमले में अमेरिका स्थित फूड चैरिटी एनजीओ वर्ल्ड सेंट्रल किचन के साथ सहायता कर्मियों की मौत पर इसराइल को अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश का सामना करना पड़ा। इसी बीच नेतन्याहू ने ईरान पर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसराइल के खिलाफ कई हमलों के पीछे होने का आरोप लगाया। नेतन्याहू ने कहा कि जो कोई हमें चोट पहुंचाता है या हमें चोट पहुंचाने की योजना बनाता है हम उसे चोट पहुंचाएंगे और हमने इस सिद्धांतों को हर समय और हल के दिनों में व्यवहार मिलाया है।